चलिए दोस्तों, आज अपना बगीचा दिखाते हैं। पीछे का दृश्य देख सकते हैं, बहुत हरा भरा है, खूबसूरत दृश्य, बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में गांव बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। गांव बहुत ही सुंदर, स्वर्ग के समान लगता है। देखिए खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, बहुत ही आकर्षक लगता है। दोस्तों, खेतों में बहुत सुंदर हरा हरा घास दिखाई दे रहा है, आप जहाँ तक देखिए वहाँ तक पूरा हरा हरा मैदान ही दिखाई दे रहा है घास का। पीछे का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, इतना हरा भरा है, सुंदर प्राकृतिक। वहाँ पर जो बांस दिखाई दे रहा है दोस्तों, वह मैं लगाया था, आप देखिए वीडियो में बांस का हरा हरा जो दिखाई दे रहा है वह मैं लगाया हूँ। अगर आप भी कोई पेड़ पौधा लगाए हैं तो कमेंट कर बताइएगा। गाइस, यहाँ पर देखिए चिड़िया का घोंसला है और इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आपको कैमरा दिखा चाहते हैं दोस्तों, ये देखिए चिड़िया, इसमें तीन बच्चे हैं और लगता है ये पूरी शांति से बच्चे लोग सो गए हैं। और उधर चिड़िया चहचहा रही है, वो सोच रही होगी कि हमारा बच्चा को कोई ले जा रहा है। सचमुच हमारा देश महान है। ये देखिए चिड़िया का घोंसला, कहा गया है एक गीत हमको याद आ रहा है दोस्तों, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो है भारत देश है मेरा, वो है भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो है भारत देश है मेरा, वो है भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा डाले पग पग डेरा, वो है भारत देश है मेरा, वो है भारत देश है मेरा। हम सत्य और अहिंसा पर चलने वाले हैं, हम ऐसे भी शाकाहारी हैं दोस्तों, पशु पक्षी चिड़िया को प्यार करते हैं, उसको कष्ट नहीं देंगे। चिड़िया देखिए उधर बार बार चहचहा रही है। एक बार चिड़िया को बच्चे को दिखा दे रहे हैं बैक कैमरा से, देखिए बच्चा किस प्रकार से सो चुके हैं, इनको अभी तक कुछ पता ही नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से सो चुके हैं लगता है। दोस्तों, आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं ये पक्षी के बच्चे कितना आराम से सोए हुए हैं, और आपको इधर दिखाते हैं, देखिए किस तरह से घोंसला बनाया हुआ है चिड़िया, किस तरह से घोंसला तैयार किया हुआ है। ये देखिए वृक्ष इस प्रकार से है, लेकिन ये एक डाल पर बनाया गया है, क्योंकि बाज और सांप इन चिड़ियों को बच्चा को खा जाते हैं, इसलिए ये पतला एक डाली पर बनाया है ताकि वह सांप और बाज की दृष्टि से सुरक्षित रह सकें। उतार लिए हैं, देखिए चिड़िया का बच्चा आप हाथ में देख सकते हैं, यह इस तरह से बहुत खूबसूरत बच्चा है, आपको देखिए। देखिए दोस्तों किस तरह से चिड़िया का बच्चा है उतार रहा है, तो देख सकते हैं दोस्तों। हमारे पीछे आम का पौधा दिखाई दे रहा है, ये आम का पेड़ है, हालांकि अभी शाम हो चुका है दोस्तों, इसलिए आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आम का पेड़ है, आप पीछे आप देख सकते हैं,
हमारा यहाँ दो आम का पेड़ है, आपको शायद वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये देखिए दो है। ये आम के पेड़ हमारे माँ ने लगाया था, जिसका फल हम लोग खाते हैं, और पके हुए आम का आनंद लेते हैं, आम को तोड़कर अचार बनाते हैं। आप देखिए कितना हरा भरा, इधर आप देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ दिखाई देगा। आप देखिए सारा ये सब हमारा ही पेड़ पौधा है। आप देखिए जितना आपको नज़र आएगा वो सिर्फ पेड़ पौधा ही नज़र आ रहा है।